बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आज की टॉपिक जो है ख़ास बीपी के लिए है, ब्लड प्रेशर के लिए है। आज बहुत से लोग ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान हाल है, कई सालों से गोलियां खा रहे हैं लेकिन उनको सही तरीके से आराम नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी बहुत सी वजह है। तो आपको मैं आज बीपी के बारे में जो इलाज बताऊंगा, जो बग़ैर दवा के इलाज है, इंशाल्लाह वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और यह वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिन लोगों की को इसकी ज़रूरत हो। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। तो नाज़रीन, आजकल जो दौर चल रहा है, जो बीपी वगैरह आम होने की वजह बहुत सी चीज़ें हैं, जिसके अंदर जो है सो आदमी का, जो इंसानों का खाना पीना, जो पहले लोग मिट्टी के बर्तन में खाते थे और जो है सो तांबा पीतल के बर्तनों में खाते थे, तो वो खाना हम छोड़ दिए। आज सिल्वर के जो बर्तनों में खा रहे हैं, जो चीज़ सस्ती है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो महंगी हो चुकी है उसको छोड़ दिए हैं। इसकी बहुत सी वजह है। बीपी की वजह बढ़ने की वजह से बंदा कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। एक तो टेंशन और डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसके इलाज कैसा आप कर सकते हैं, यानी कि बग़ैर दवाओं के आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा गौर से सुने नाज़रीन। अगर किसी को भी अगर बीपी हाई हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, यानी कि बीपी बढ़ने की वजह से उनको बहुत से मसाइल होते हैं, जैसा हलक सूखता है या फिर आंखें उनकी जो है सो आंखों में अंधेरी आ जाती है, चक्कर आती है, तो ये बहुत सी वजह है उसकी। उनकी बॉडी जो है सो पूरी वीकनेस हो जाता है और हैबत घबराहट रहती है। तो इसकी वजह जो है सो मैं आपको बताया कि स्टील है। इसकी जो वजह है, इसकी जो बर्तन सिल्वर के इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उसकी वजह वो है। तो जिसको भी ये शिकायत हो रही है तो टेंशन बिल्कुल ना ले, बल्कि आज से ये कर ले, इंशाल्लाह अगर ये हमेशा इन ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो इनको बीपी वगैरह की गोली ख़त्म हो जाएगी, कोई चीज़ की इनको परेशानी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो करना क्या है, तांबे का बर्तन लेना है। तांबा कैसा होना, वो भी जिसको कली मारे वाली रहती, जो कली मारते हैं वो लोग मालूम रहता, जो बर्तन के दुकान पे बर्तन बेचते हैं उनको मालूम रहता कि इसको कली कैसा बिठाते हैं। बग़ैर कली के उसको इस्तेमाल ना करें। तांबे का लो या पित्तल का लो, उसके अंदर आप जो है सो पानी डाल दो, जितना आपको पानी की ज़रूरत है उतना पानी डाल दो और उसको अच्छी तरीके से जो है सो उसको उबाल जब आ जाएगा, गर्म खलखल करेगा, तो जब उसको जो है सो आप एक चूल्हे को बंद कर कर उसको वैसे ही ढाप कर रख दो, 4 घंटे तक उसको वैसे ही पानी को पड़ा रहने दो तांबे या पित्तल के बर्तन में। और 4 घंटे के बाद आप उसके अंदर, आपके पास अगर सिक्का है तांबे का तो उसको धोकर अच्छी तरह, चांदी का एक सिक्का उसमें अंदर डाल दो आप, फिर उसके बाद उसको वैसे ही पड़ा रहने दो रात भर। फिर सुबह जो है सो उस पानी को छान कर एक मिट्टी के बर्तन में रख लो आप, मिट्टी के बर्तन में रख लो या कांच के बर्तन में रख लो। फिर उसके अंदर आप जो है सो एक खीरा ककड़ी जो है सो काट के उसके 2-3 पीस डाल लो और 2 हरी मिर्च डाल दो उसमें, और जो है सो नींबू को 2 टुकड़े करके आधा नींबू उसके अंदर डाल दो। अगर पानी आपके पास 5 लीटर है तो आधा नींबू का टुकड़ा डाल दो। फिर उसके बाद उसको वैसे ही पड़ा रहने दो, एक 24 घंटे के बाद वो पानी अल्कलाइन पानी बन जाएगा, यानी कि वो पानी की तासीर ही बदल जाएगी। फिर जो है तो आप उस पानी का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये असल अल्कलाइन पानी ऐसा होता है, यानी कि ज़्यादा चीज़ें डालने की आपको ज़रूरत नहीं है उसको। अगर आपको इसको और थोड़ा हेवी करना है, अगर आंवला का मौसम चल रहा है, आंवले आ रहे हैं, तो उसके अंदर आप आंवला भी काट के डाल सकते हैं, तो वो मैजिक पानी बन जाएगा। लेकिन ये अल्कलाइन पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट पानी है। अगर इसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से अगर हर घर में किया जाए तो इंशाल्लाह बीपी का जो है सो मसला जो है सो हल हो जाएगा। और दूसरा काम ये करना है नाज़रीन, आप खाने से पहले कोई अच्छी सी कंपनी का सेब का सिरका ले लें, और खाने से एक आधा घंटा पहले 1 चम्मच पानी के अंदर डाल कर उसको नॉर्मल पानी के अंदर डाल कर पी लें, ये काम करें। और 2-3 दिन में एक बार आप गरम कुमकुमे पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर एक लेमन के 4-5 खतरे डालें और उसको भी पी लें आप। और ज़्यादातर हर खाने के बाद
500 कदम आप पैदल चलें और सुबह में सुबह वॉकिंग करें और अपना खाना जो डाइजेशन वगैरह का सही ख्याल रखें। उसके लिए आप जो है सो कोई अच्छी सी कंपनी का कोई या कुछ हजम करें, वैसी कोई जड़ी बूटी जो है सो इस्तेमाल करें आप, और इंशाल्लाह धीरे धीरे आपका बीपी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा, आप जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की इस दी गई मालूमात अच्छी लगी तो वीडियो को हमारे शेयर करिए और उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है।